हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बिना चीनी, बिना घी और बिना चाशनी बनाए बहुत ही आसान तिल की मिठाई बनाएंगे। तो चलिए इस आसान सी तिल की मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम गैस ऑन करके पैन में 250 ग्राम सफ़ेद तिल डालेंगे। तिल को हम लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। तिल को भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो तिल को हमें लगातार चलाते रहना है। जैसे ही तिल फूल जाएंगे और चटकने लगेंगे और तिल का कलर भी चेंज हो जाएगा, तो तिल को हम थाली में निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा तिल को हमें नहीं भूनना है। अब हम तिल को ठंडा होने देंगे। अब हम पैन में डालेंगे 2 टेबल स्पून बादाम बारीक कटे हुए, 2 टेबल स्पून पिस्ता बारीक कटे हुए, 2 टेबल स्पून काजू बारीक कटे हुए। 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर इसे भी हम भून लेंगे। दो से तीन मिनट भूनने के बाद इसे भी निकालकर हम अलग रखेंगे। तिल जब ठंडे हो जाएंगे तो तिल में से हम 4 चम्मच तिल को अलग निकालेंगे। बाकी के तिल को अब हम मिक्सी के जार में डालेंगे और अब हम मिक्सी को रुक रुक कर चलाते हुए तिल को पीस लेंगे। तिल को पीसते समय मिक्सी को हमें एक साथ नहीं चलाना है, नहीं तो तिल में से ऑयल रिलीज होगा और तिल का पाउडर अच्छा नहीं बनेगा। तिल को हमने पीस लिया है। तिल को हमने इस प्रकार से बारीक पीसा है। अब हम इसे अलग रखेंगे और अब हम गैस ऑन करके पैन में 200 ग्राम मावा डालेंगे। मावे को हम लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। मावे को हमने 3 से 4 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 250 ग्राम गुड़। गुड़ को हमने ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लिया है। इससे ये मावे में डालते ही तुरंत मेल्ट हो जाएगा। गुड़ को हमें इसी प्रकार से ग्रेट करके या बिल्कुल बारीक बारीक तोड़ कर लेना है। और आप देखेंगे कि 2 से 3 मिनट में ही गुड़ मावे में अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और इसे भी मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें तिल का पाउडर डालेंगे और सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हम लो रखेंगे। तीन से चार मिनट में ही मिश्रण डो के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। तो अब हम इसमें से थोड़े से मिश्रण को छोड़कर बाकी के मिश्रण को अलग निकालेंगे। और बचे हुए मिश्रण में भुने हुए काजू बादाम और पिस्ता डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। मिश्रण को अब हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब हमने फूड रैप पेपर को घी से ग्रीस करके लिया है। आप इसकी जगह पर कोई मोटी प्लास्टिक की शीट भी ले सकते हैं। अब हम इस पर मिठाई का मिश्रण डालेंगे और इसे लंबाई में फैलाएंगे। अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स वाला मिश्रण लंबाई में रखेंगे और इसे सील कर देंगे। अब हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पेपर को अब हम अलग कर देंगे और 10 मिनट के लिए इसे फ्रिज में सेट कर लेंगे ताकि आसानी से रोल हो जाए। 10 मिनट बाद अब हम इसे रोल करेंगे। अब हम लेंगे भुने हुए तिल जो हमने अलग रखे थे। 2 चम्मच तिल हम अभी डालेंगे, बाकी के तिल को हम अलग रख देंगे। अब हम रोल को तिल पर घुमाएंगे ताकि रोल पर चारों तरफ अच्छे से तिल चिपक जाए।
रोल को अच्छे से घुमाते हुए हम सेट कर देंगे। रोल जब अच्छे से सेट हो जाएगा तो अब हम रोल को ट्रे में निकालेंगे और इसी प्रकार से एक रोल और बनाकर तैयार कर लेंगे। दोनों रोल को बनाने के बाद अब हम रोल को आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे। आधे घंटे बाद रोल को हमने फ्रिज से निकाल लिया है, अब हम इसे कट करेंगे। बहुत ही आसान ये दिल की मिठाई बनकर तैयार हो जाती है और खाने के साथ साथ दिखने में भी मिठाई बहुत ही अच्छी लगती है। दोनों रोल को हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद आप चाहें तो हाथों से थोड़ा सा शेप गोल भी कर सकते हैं। बिना चीनी, बिना चाशनी, बिना किसी झंझट के मिठाई बनकर तैयार है। इससे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।